बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो ज़िराक्स वर्क सेंटर 5855 फोटोकॉपियर मशीन के बारे में है। बाज़ुकात एक प्रॉब्लम होती है, ये देखें ट्रे वन को ओपन करें तो ये देखें एरर, ट्रे वन डेडिकेटेड पेपर ट्रे। अब यहाँ पे इसको साइज़ शो करने चाहिए पेपर के, जैसे ही हम ट्रे को ओपन और क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे इसको पेपर साइज़ शो करना चाहिए ऑटो पे कि इसमें पेपर कौन सा है, या मैनुअली हम उसको सिलेक्ट कर सकें पेपर को कि पेपर कौन सा है। इसी तरह से ट्रे टू देखें, अब ये देखें, अब यहाँ पे ये साइज़ जो है ना, ये देखें इसमें A3 साइज़ का पेपर है तो फिक्स हुए हुए हैं साइज़, इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसको किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है कि आप मैनुअली जैसे ही ट्रे को ओपन क्लोज करें तो साइज़ आ जाए, उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले मशीन में हमने लॉगिन करना है, यहाँ पर आपने लिखना है एडमिन। ये मैंने एक कस्टम बटन सेलेक्ट किया हुआ है एडमिन का, ये देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एडमिन लिखा आ जाएगा। अब ये कस्टम बटन इस मशीन में किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं इसके रिलेटेड वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन में आपने अगर कोई भी कस्टम बटन सेलेक्ट करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट करना है, अब यहाँ पर पासवर्ड लिखना है 1111 और यहाँ से कर दें डन। मशीन स्टेटस पे क्लिक करें, ये देखें अभी तक डेडिकेटेड ट्रे साइज़ मिसमैच आ रहा है, इसको क्लोज़ करें। मशीन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद टूल्स पे क्लिक करें, अब यहाँ से आपने ये पेपर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे आ रहा है ट्रे सेटिंग। अच्छा पहले मैं बताऊँ पेपर साइज़ प्रेफरेंस में मैंने क्या रखा हुआ है, इंचज़ में रखा हुआ है, ये देखें इंचज़ है, ठीक है। इसको यहाँ से ओके करें, अब यहाँ से आपने ट्रे सेटिंग पर आना है। अब ट्रे सेटिंग पे आपने इसको क्लिक करें 1 को, अब ये देखें डेडिकेटेड द फॉलोइंग पेपर मस्ट बी लोडेड फॉर द ट्रे टू बी अवेलेबल फॉर यूज़ A4, मतलब A4 साइज़ फ्रीज़ हुआ है ट्रे 1 में, तो हमने इसको फ्रीज़ नहीं करना, हमने इसको यहाँ से हम करेंगे फुली एडजस्टेबल पे क्लिक करेंगे। अब देखें पेपर साइज टाइप एंड कलर कैन बी चेंज्ड ईच टाइम द ट्रे इज़ ओपन एंड क्लोज, जब भी आप ट्रे को ओपन और क्लोज़ करेंगे आप उसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑटो सिलेक्शन देखें डिसेबल हुई है, इसको इनेबल करें कि ये ऑटो पे पेपर को सिलेक्ट कर ले कि पेपर उसमें ट्रे में कौन सा है। डिसेबल होगा तो ऑटो पे सिलेक्ट नहीं करेगा, इनेबल करें ताकि ऑटो पे सिलेक्ट कर ले कि जो भी पेज आप डाल रहे हैं ट्रे को ओपन क्लोज़ करें तो वही साइज़ सामने आ जाए और आप उसको ओके कर लें। अब यहाँ से इसको ओके करें, देखें ये देखें अब ट्रे 1 के साइज़ आ गए हैं, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कन्फर्म कर रहा हूँ, यही मैं ट्रे क्लोज़ और ओपन करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप इस पे आएँ, इसको भी वही प्रोसेस है, सारा वही चीज़ें लिखी हुई हैं और वही चीज़ है, इसको भी आप यहाँ से फुली एडजस्टेबल करेंगे और यहाँ से इनेबल करेंगे। अब यहाँ से ओके करेंगे, अब यहाँ से आपने इसको एडमिन पे आके लॉग आउट करना है। चले जी, अब हम ट्रे को ओपन करते हैं, ट्रे 1 को हमने ओपन किया, इसमें A4 साइज का पेपर है, इसको क्लोज किया तो ये देखें यहाँ पे ट्रे 1 सेलेक्ट हो गया है। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लोज, ये देखें A4 साइज का पेज ऑटो पे इसने सेलेक्ट कर लिया। आप और ये यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मैनुअली, कंफर्म कर लें। अब ट्रे 2 को ओपन करें, ट्रे 2 जो कि पहले नहीं हो रहा था, अब ट्रे 2 ओपन की, अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये देखें ट्रे 2 में A3 साइज़ का पेज पड़ा हुआ है जो कि इसने ऑटो पे डिटेक्ट कर लिया है, और ये आप सारा आप मैन्युअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब कंफर्म करें, वो वाला एरर ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से आपने पेपर को एडजस्ट कर लेना ट्रे 1 या ट्रे 2 में, अगर कोई एडजस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, थैंक यू।